हमारा शरीर सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनता है और इन कोशिकाओं का हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ऐसी ही कोशिका होती है जिसे कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल या मूल कोशिका हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो ऐसे में आपको भी स्टेम सेल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको स्टेम सेल से जुड़ी खास बातें बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टेम सेल यानी कि मूल कोशिका क्या होती है। स्टेम सेल या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की कैपेसिटी होती है। ये कोशिकाएं शरीर में मौजूद किसी भी टाइप की कोशिकाओं में बदल भी सकती है। साइंटिस्ट के अनुसार इन सेल्स को शरीर की किसी भी सेल की रिपेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर हार्ट सेल्स खराब हो जाए तो स्टेम सेल से उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, और अगर आंख के कॉर्निया की सेल्स खराब हो जाए तो उन्हें भी स्टेम सेल्स से विकसित करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। स्टेम सेल्स को ब्लैंक सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स अनडिफरेंशिएट सेल्स होती है, यानी ऐसी कोशिकाओं में डेवलप होने की कैपेसिटी रखती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग फंक्शंस करती है। स्टेम सेल से अपोजिट हमारी बॉडी में मौजूद ज्यादातर सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन में स्पेसिफिक पर्पस को पूरा कर सकती है। जैसे रेड ब्लड सेल्स, जिनका काम स्पेसिफिक होता है और ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। हमारी बॉडी में या लेबोरेटरी में राइट कंडीशंस में स्टेम सेल्स डिवाइड होकर के ज्यादा सेल्स बना लेती है, जिन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। ये डॉटर सेल्स या तो नई स्टेम सेल्स बन जाती है या फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती है, जिनके फंक्शंस ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हार्ट मसल सेल्स और बोन सेल्स। हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स के अलावा किसी और सेल में नई सेल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो स्टेम सेल्स हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये जानने के बाद अब स्टेम सेल्स के टाइप्स को जानते हैं। सबसे पहली है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ह्यूमन एम्ब्रियो से आती है, जो 3 से 5 दिन के होते हैं, और इन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान हार्वेस्ट किया जाता है। इन सेल्स को प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी की किसी भी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती है और ज्यादा स्टेम सेल्स में डिवाइड भी हो सकती है। इसकी स्पेशलिटी के कारण एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को शरीर के बीमार टिश्यू और ऑर्गन्स को रिपेयर और रीजनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और आगे दूसरी टाइप की सेल्स होती है नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को अडल्ट सेल्स भी कहा जाता है, और ये सेल्स भी इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ही मिलती है। ये सेल्स डेवलप हो चुके ऑर्गन्स और टिश्यूज से मिलती है। जब कोई टिश्यू डैमेज होता है तब उसकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए इन सेल्स का इस्तेमाल बॉडी अपने आप कर लेती है। इसके लिए डैमेज्ड टिश्यू बॉडी के जिस एरिया में मौजूद होता है उसी एरिया से अडल्ट सेल का इस्तेमाल करके टिश्यू को रिपेयर या रिप्लेस कर लिया जाता है। अडल्ट स्टेम सेल्स उतनी ज्यादा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है जितनी टाइप्स की सेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट कर सकती है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक प्रकार की अडल्ट स्टेम सेल होती है, जो बोन मेरो में मिलती है। ये सेल्स नई रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जैसी ब्लड सेल्स बनाती है। और आगे थर्ड टाइप की होती है इंड्यूस्ड प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स यानी की IPSCs। स्टेम सेल्स पर होने वाली रिसर्चर्स का ही रिजल्ट है कि अब साइंटिस्ट ने अडल्ट स्टेम सेल्स से प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स बनाने का तरीका पता लगा लिया है। इन सेल्स को इंड्यूस्ड प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स यानी कि IPSC कहा जाता है। ये सेल्स बॉडी की सभी स्पेशलाइज्ड सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकती है, यानी कि ये सेल्स बॉडी के किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के लिए नई सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं को बना सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे चौथे टाइप की सेल्स होती है कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स चाइल्ड बर्थ के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से प्राप्त की जाती है। इन सेल्स को सेल बैंक्स में सुरक्षित रखा जाता है ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। इन सेल्स का यूज करके बच्चों में ल्यूकेमिया जैसे कि ब्लड कैंसर और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स का इलाज किया जाता है। पांचवी टाइप की सेल्स है एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल्स।
हमारे शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल्स भी पाई जाती है, लेकिन इनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है और इसके यूजेस के बारे में अभी और भी रिसर्च होना जरूरी है। लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो माँ की कोख में पल रहे बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल्स को जानने के बाद अगर बात करें स्टेम सेल्स का मेडिसिन में कितना महत्व है, तो स्टेम सेल्स यानी कि मूल कोशिकाओं का मेडिसिन में बहुत ज्यादा महत्व है। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल हो गया है, जिसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में कीमोथेरेपी या बीमारी के कारण डैमेज हुई सेल्स को स्टेम सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। अभी बीमारियों के इलाज में जो स्टेम सेल्स यूज की जाती है वो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है। ये कोशिकाएं कैंसर मरीजों के लिए नई ब्लड कोशिकाएं बनाती है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की बॉडी में मिलने वाली हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के कारण खत्म हो जाती है। स्टेम सेल थेरेपी को रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। ये थेरेपी स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके ऐसे टिश्यूज के रिपेयर रिस्पॉन्स को प्रमोट करते हैं जो डिजीज्ड हो, डिसफंक्शनल हो या इंजर्ड हो। ये थेरेपी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक नया और एडवांस चैप्टर है, जो डोनर के ऑर्गन्स की बजाय सेल्स का इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक करती है। ऑर्गन्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि स्टेम सेल्स को लैब में तैयार कर लिया जाता है और पेशेंट के शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज है तो स्पेशलाइज्ड सेल्स उस व्यक्ति की हार्ट मसल में इंजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद ट्रांसप्लांटेड हार्ट मसल सेल्स डिफेक्टिव हार्ट मसल को रिपेयर कर देगी। स्टेम सेल्स पर बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए हैं, जिनके अनुसार फ्यूचर में स्टेम सेल्स हमारी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में बहुत ही मददगार साबित होगी, क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि स्टेम सेल्स नए टिश्यू बनाने में हेल्प करेगी और क्रॉनिक हार्ट डिजीज को भी ट्रीट किया जा सकेगा। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, अल्जाइमर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में बहुत मदद मिल सकती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के इस्तेमाल को लेकर के कॉन्ट्रोवर्सी भी है, क्योंकि ये कोशिकाएं अर्ली स्टेज एम्ब्रियो से ली जाती है। इसीलिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च पर कई सारे सवाल उठे हैं जो इसे एथिकल नहीं मानते हैं। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ द्वारा गाइडलाइंस भी बनाई गई है, जिसे फॉलो करके ही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और अब आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि अब आप भी स्टेम सेल्स यानी कि मूल कोशिकाओं की इम्पोर्टेंस के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। और क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।